विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन की ओर से लोकसभा के उपसभापति पद की मांग की गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर इंडिया को डिप्टी स्पीकर की पोस्ट नहीं मिली तो वो लोकसभा के अध्यक्ष पद के लिए अपना उम्मीदवार खड़ा कर सकते हैं। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र 24 जून से शुरू होने वाला है जो 3 जुलाई को खत्म होगा। इस तरह ये 9 दिवसीय विशेष सत्र रहने वाला है। इस दौरान अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया 26 जून से शुरू होगी। 17वीं लोकसभा में बीजेपी के ओम बिरला अध्यक्ष थे जबकि उपसभापति का पद खाली था। हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 240 सीटों पर जीत दर्ज की है। इस तरह बीजेपी के नेतृत्व वाला एनडीए लगातार तीसरी बार सरकार बनाने में सफल रहा। हालांकि उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा सहित हिंदी पट्टी वाले इलाकों में भगवा दल को भारी नुकसान झेलना पड़ा है। ध्यान रहे कि गठबंधन वाली सरकार केंद्र की सत्ता में 10 साल बाद लौटी है। इस बार विपक्षी दलों का इंडिया गठबंधन भी मजबूत स्थिति में है। इसके अलावा विपक्ष एक और रणनीति पर काम कर रहा है जिसमें उसकी कोशिश टीडीपी और जेडीयू को उकसाने की है कि स्पीकर पद पर अपने दल में से किसी को बैठाने के लिए तैयार करे। आम आदमी पार्टी ने बीते दिनों एनडीए के घटक टीडीपी और जेडीयू से यह तय करने के लिए कहा था कि लोकसभा अध्यक्ष दोनों पार्टियों में से एक हो। वही राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने तो यहां तक कह दिया था कि अगर बीजेपी लोकसभा अध्यक्ष का पद अपने पास रखती है तो उसके गठबंधन सहयोगी टीडीपी और जेडीयू को अपने सांसदों की खरीद फरोख्त के लिए तैयार रहना चाहिए। हालांकि जेडीयू ने यह साफ कर दिया है कि वो बीजेपी के स्पीकर का समर्थन करेंगे। जानकार मानते हैं कि अगर डर है तो सिर्फ टीडीपी को लेकर है। इसका जवाब है कि पार्टी जब तक खुद इस बारे में स्पष्ट रूप से कुछ ना कह दे तब तक ये तय नहीं माना जा सकता। टीडीपी का अब तक का यही अनिश्चित रुख बीजेपी के लिए भी तनाव की वजह है। अब लोकसभा अध्यक्ष पद पर हर किसी की नजर टिकी हुई है। एनडीए के घटक दल भी इस पद पर नजर गड़ाए हुए हैं। इस बीच एक मीडिया रिपोर्ट में बताया गया है कि अगर इंडिया गठबंधन को उपसभापति का पद नहीं मिला तो वो अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवार खड़ा कर सकते हैं। सदन के सदस्य उम्मीदवारों के समर्थन में प्रस्ताव के लिए एक दिन पहले दोपहर 12 बजे तक महासचिव को लिखित रूप से नोटिस दे सकते हैं। नोटिस में बताया गया है कि मौजूदा मामले में अध्यक्ष के चुनाव के लिए प्रस्ताव के वास्ते नोटिस मंगलवार 25 जून दोपहर 12 बजे से पहले दिए जा सकते हैं। सत्र के पहले दो दिन नव निर्वाचित सदस्यों के शपथ ग्रहण के लिए समर्पित होंगे। अध्यक्ष के चुनाव के लिए 26 जून की तिथि तय की गई है जबकि 27 जून को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगी। इसी कड़ी में रविवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर संसद सत्र को लेकर बड़ी बैठक हुई। बैठक में जेपी नड्डा, अश्विनी वैष्णव, किरण रिजिजू, ललन सिंह, चिराग पासवान मौजूद रहे। सूत्रों के बारे तो बैठक में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के एनडीए उम्मीदवार के लिए पक्ष के साथ कई विपक्षी दलों को साधने की रणनीति पर चर्चा हुई है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।